ड्रग्स, अमेरिका ड्रग्स पैसा और एक महिला CIA एजेंट। अमेरिका भले ही दुनिया के लिए सर्वशक्तिशाली देशों में शुमार हो, लेकिन उसके अंदर कई ऐसी परेशानियां हैं जिनसे वो खुद हर रोज़ लड़ाइयां लड़ता है। श्वेत बनाम अश्वेत की लड़ाई तो अभी दुनिया के सामने है। इसके अलावा गन कल्चर पर बहस होती है, लेकिन अमेरिकी यूथ के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बना है ड्रग्स का कल्चर। वैध या अवैध रूप से ड्रग्स अब अमेरिका के हर राज्य में है, जो परेशानी खड़ा करता है। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में एक वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्री आई है जिसका नाम है द बिजनेस ऑफ ड्रग्स। इस सीरीज में अमेरिका में ड्रग्स, उसके बिजनेस और उससे प्रभावित हो रही एक पीढ़ी के बारे में बात की गई है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA में काम कर चुकी अमेरिलिस फॉक्स ने सीरीज को होस्ट किया है। वो खुद भी बतौर CIA एनालिस्ट इस फील्ड में काम कर चुकी हैं। नेटफ्लिक्स इससे पहले भी ड्रग्स से आधारित कई ऐसी डॉक्यूमेंट्री ला चुका है, लेकिन वो किसी एक केस, किसी अपराधी का पर आधारित रही है। इस सीरीज में खास बात इस बात की है जो ड्रग्स अमेरिका में इन दिनों घूम रहे हैं उन पर बात की गई है। कुल 6 एपिसोड है जिनमें हर एपिसोड में एक ड्रग पर बात की गई है। इस दौरान अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में इनके बिजनेसेस म्यांमार, अफ्रीका या वो देश जहां से ये बनकर अवैध रूप से अमेरिका में आ रहा है, इसका इस्तेमाल करने वाले, इसे बेचने वाले और इसे बनाने वाले, यानी लगभग हर पहलू को समेटा गया है। अलग अलग एपिसोड्स में इन 6 ड्रग्स की बात की गई है। कोकीन, सिंथेटिक्स, हेरोइन, मेथ, कैनाबिस, ओपियोइड्स। अमेरिका में ड्रग्स अलग अलग तरह से पहुंचते हैं, जो एक लंबे वक्त से समस्या की जड़ रहा है। फिर चाहे वो मैक्सिको से सटा बॉर्डर हो, जहां पर कोलंबिया समेत लैटिन अमेरिका के अन्य देश शामिल हो जाते हैं। यही कारण है कि पाल्वो एस्कोबार, एल चापो जैसे ड्रग्स लीडर इतने बड़े हो जाते हैं और अंत में अमेरिका को एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर उन्हें ख़त्म करना पड़ता है। जैसा कि सीरीज में बताया गया है कि कोकीन इन दिनों अमेरिका में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। भले ही ये अवैध है, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ रही है। अमेरिका में सबसे अधिक कोकीन कोलंबिया से ही आती है, लेकिन इसमें अधिकतर फ़ायदा इसे सप्लाई करने वाले को होता है या फिर उसे जो सबसे अंत में बेचता है।